सो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा, और वो भी बिना तेल के। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे बिना तेल के पोहा, पर ये बिना तेल वाला पोहा इतना ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से बना रही हूँ उस तरीके से आप बना के खाएंगे ना, आप बोलेंगे बहुत लाजवाब है। सो ऐसे ही सूखी कढ़ाई में आपको बादाम को फ्राई कर लेना है, आप देख सकते हो। उसके बाद सब्जियां डाल के फ्राई कर लेना है। सब्जियों में नेचुरल तेल होते हैं, वो देखो आपकी खुद ही तेल छोड़ दिया है ये सब्जी। सो इस तरीके से हल्का ब्राउन फ्राई हो गया। फिर उसमें हम डालेंगे हल्दी, नमक और उनको मिक्सअप करेंगे। और मिक्सअप करने के बाद आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। और सब्जियां वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, तो नेचुरल तेल छोड़ते। तो इसमें डाला मैंने थोड़ा सा मशरूम, आप अपने कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपको सब्जी पसंद हो। मैं हेल्दी के लिए मशरूम में ज्यादा यू नो न्यूट्रिशंस होते हैं, इसलिए डाला। उसके बाद टमाटर डाला है मैंने, टमाटर जरूर से डालना, क्योंकि टमाटर डालने के बाद ना पोहे का स्वाद ही कुछ चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हो बिना तेल के मैं फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पे एक चुटकी तेल नहीं डाला है, ना मैंने बादाम के लिए डाला ना सब्जियों के लिए डाला। सो अब हम इसमें डालने वाले हैं पानी, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो बॉइल्ड हो जाए। तो पानी डाल के मिक्स करके हम इसको ढक कर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद हम इसको जब देखेंगे तो आप देखोगे कि ये सब्जियां पूरी तरह से पक चुकी हैं और पानी भी ऑलमोस्ट सूख चुका है। तो आपको इस दौरान गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखना है, ताकि आपके पानी भी सूख जाए और जो आपकी सब्जियां हैं वो भी एकदम पक जाए। सो यहाँ पे सब्जियां पक चुकी हैं, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पानी भी सूख चुका है। तो इसमें अब हम डालने वाले हैं पोहा, जो कि मैंने की सूख करके रखा हुआ था, वो पोहा हम इसमें डालेंगे और फिर दोनों को मिक्सअप करेंगे। देखने में ही काफी टेस्टी लग रहा है, कोई मसाला भी नहीं डाला है, कोई तेल नहीं डाला है, तब भी आप देख सकते हो इनके कलर। पोहा डालने के बाद हम मिक्स करेंगे इनको, और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो बादाम हमने रोस्ट किया था, जो कि ड्राई रोस्ट किया था बिना तेल के, वो हम इसमें ऊपर से डालने वाले हैं। और अगर आप धनिया खाना पसंद करते हैं तो इसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी होता है। अगर आप धनिया का एक पत्ती भी खा लोगे ना, तो पूरे दिन का विटामिन बी आपको मिल जाता है इसमें। तो बादाम डालने के बाद हम हरी धनिया डालेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये हेल्दी पोहा पूरी तरह से हेल्दी हो। और जो लोग डाइट कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी होने वाला है और आपके स्टमक को फुलफिल कर देगा। काफी टाइम के लिए पेट भी भरा भरा सा लगता है इसको खाने के बाद। तो आप देख सकते हो सबको डाल के मिक्स कर दिया, और गैस का फ्लेम ऑफ करके मैंने ढक दिया इसको 5 मिनट के लिए, ताकि स्वाद आ जाए और पोहा सूख जाए। और देख सकते हो गर्मा गर्म पोहा हमारा कितना टेस्टी लग रहा है, और इसकी खुशबू तो बहुत ज्यादा लाजवाब आ रही थी। और जब मैंने इसको टेस्ट किया ना, तो बहुत ज्यादा यम्मी था। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसा ही कुछ अमेजिंग लेके।